हेलो अक्षय, वेलकम टू टेली किसान। हाय। दोनों सिंह बाइक में एक अंदर हम देख रहे हैं आज डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खा रही है। फिर भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ गया, क्या कहना चाहेंगे? यार कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, ऐसा कोई सीन नहीं जाता जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। सो आज के सीन में भी यही ट्विस्ट था कि प्रभा जी भी आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गई है और स्वरा का यही कहना है कि भाई ये केयर टेकर हैं तो ये बैठेंगे यहाँ पे, दादी को खाना खिलाएंगे। सो नाउ वी हैव टू हैंडल प्रभा ऑल्सो। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये सब चीज़ें? डिफिकल्ट है ऑब्वियसली बिकॉज वेदांत वो हेट करता है प्रभा जी से और वो उनके साथ है, बस वो इसलिए झेल रहा है क्योंकि दादी की हेल्थ ठीक हो जाए। सो बस वो उसी दिन की तलाश कर रहा है कि कैसे जिस दिन दादी की तबीयत ठीक होगी वो उस दिन उनको निकाल देगा यहाँ से। क्या कह रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें जानबूझकर करी आपको या कोयल को परेशान कर सके? पता नहीं सारा क्यों कर रही है, मगर उसको मुझे लगता है कि हम दोनों की लाइफ से ज्यादा उसको दूसरी ही कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि हर घर की बहू को होता है। तो वो पूरा परिवार संभालने में लगी हुई है रादर देन अपने पति को संभालने में। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। क्या हम यहाँ पे देखते हैं आप बच्चों को देखते हैं खेलता हुआ? अभी आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको क्या चल रहा है? एक्चुअली वेदांत के दिल में ये है कि वो बच्चों के लिए, उसके सॉफ्ट हार्टेड है, बच्चों के लिए हमेशा वो रहता है। इससे पहले भी उसने बहुत सीन्स ऐसे गए जहाँ पे वो हेल्प कर रहा है, पर यहाँ पे वो देखता है कि एक भाई बहन आपस में बैठ के खेल रहे हैं। सो वेदांत की एक सिस्टर होती थी बहुत छोटी, जो उससे छोटी थी, एंड वो उससे बिछड़ गई। अब वो क्यों बिछड़ी वो आपको बाद में पता लगेगा सस्पेंस, बट यही है कि वो जब भी देखता है तो वो एकदम इमोशनल हो जाता है भाई बहन को देखा। और वो बच्चा जो छोटी लड़की थी वो बोल रही थी कि भैया मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। सो उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो वेदांत उन्हें कुछ पैसे देता है और बोलता है आप जाके खाना खाओ। सो दिस वॉज द सीन। रील के बाद रियल की बात करें, रक्षाबंधन आ रहे, आपकी सिस्टर साहब कितने अटैच हो? अटैच हूँ यार बिकॉज एक तो सबसे बड़ी चीज़ मेरी कोई बहन है नहीं। सो राखी सिस्टर मतलब वैसा ही है कि मुझे लोगों ने राखी बांधी लाइक कौन ही राखी बांधेगा मुझे, लेकिन मैं लिटरली बेखौफ जाया करता था स्कूल में भी, रक्षाबंधन पे, कॉलेज में भी। कोई लड़की नहीं आई आज जिंदा कि मैं राखी बांधना चाहती हूँ। सो आई थिंक यार एक मायने में मैं ब्लेस्ड भी हूँ और एक मायने में मैं बोलूँगा, मगर जैसे मेरी कज़न सिस्टर है जो मुझे राखी बांधती है, बट वो भी उससे बंधवाए भी मुझे इतने सालों हो गए बिकॉज जब से मैं अपने होम टाउन से बाहर निकला हूँ वापस जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है मुझे, बैक टू बैक वर्क चालू है। सो या लाइफ और उसके बाद ज़िंदगी बहुत डिफरेंट हो गई है, बदल गई है, और आज दिन तक इंडस्ट्री में भी कोई नहीं मिला जो मुझे राखी बांधने को तैयार हो। सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।